Dear students, now I am going to start exercise 1.1. This exercise is divided. In this exercise, there are three types of questions. Type 1 is problems based on representation of integers on number line. संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण पर आधारित प्रॉब्लम है. In second type of question is problems based on addition and subtraction of integers. दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं. एंड टाइप थ्री, इन टाइप थ्री वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. टाइप थ्री में पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टाइप वन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स. टाइप वन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है. Following number line shows the following number line shows the temperature in degree Celsius. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day.
दिस इज योर क्वेश्चन. फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे. निम्नलिखित संख्या रेखा किसी खास दिन विभिन्न स्थानों पर तापमान को प्रदर्शित करता है. ये जो संख्या रेखा खींचा गया है, ये संख्या रेखा, इसमें भिन्न भिन्न किसी खास दिन विभिन्न स्थानों के टेम्परेचर दिए गए हैं. फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे. निम्नलिखित संख्या रेखा किसी खास दिन भिन्न भिन्न स्थानों पर के तापक्रम को दर्शाता है. सो यू हैव टू गिव द एंसर ऑफ द क्वेश्चन टू सी दिस नंबर लाइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. ऑब्जर्व दी नंबर लाइन. Observe the number line and write the temperature. And write the temperature. And write the temperature of the places. Of the places marked on it. क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का निरीक्षण करो और संख्या रेखा पर चिन्हित स्थानों के टेम्परेचर को कहता है लिखने के लिए. प्लेस का नाम लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला और ओटी एंड बंगलोर. We have to find the temperature of Lahul Spiti, Srinagar, Shimla, OT और Bangalore का temperature हमको लिखना है. Here we see that on this number line 0 in right there is hottest and before zero is the coldest place. Name of hottest place in this number line is Shimla, OT, Bangalore, and the coldest place is Srinagar, Lahul Spiti. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. संख्या रेखा को देखो और इस पर जो चिन्हित संख्या रेखा पर जो चिन्हित स्थान है उसका तापक्रम लिखो. तो फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, टेम्परेचर temperature लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है ये हमको लिखना है. बिफोर जीरो
टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8°C, -8°C, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8°। हिधर बिफोर जीरो वी टेक निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6, -7, -8, -9, and -10। सो लाहौल, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज -8°C। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर हमें लिखना है, रोबर्ट, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज 0, -1, -2। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2°C, -2°C। टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर हमको लिखना है, शिमला का टेम्परेचर जीरो से दाई ओर जो है सो हॉटेस्ट प्लेस है, शिमला, ओटी, बेंगलोर, ये हॉटेस्ट प्लेस है, और श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये जो है सो कोल्डेस्ट प्लेस है। सो जीरो से दाई ओर जो भी हम स्थान लिखेंगे वो प्लस में भाई उसका टेम्परेचर जो लिखाएगा वो पॉजिटिव मान होगा। तो शिमला का टेम्परेचर हो गया 1°, 2°, 3°, 4°, and 5°C। तो टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू 5°C, 5°C। एंड टेम्परेचर ऑफ ओटी, ओटी का टेम्परेचर कितना है, ओटी का टेम्परेचर 10, 1°C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टेम्परेचर ऑफ ओटी इज 14°C, 14°C। एंड द टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर, टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज 22°C। So we can write the temperature of different places from the given number line. In the number line, before zero is the coldest place and after zero is a hot, is the hottest place. So temperature of Lahul Spiti is -1°C, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8°C, Lahul Spiti का टेम्परेचर -8°C। श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर -1, -2, -2°C। टेम्परेचर ऑफ शिमला आफ्टर जीरो वी टेक पॉजिटिव टेम्परेचर 1°, 2°, 3°, 4°, 5°C, टेम्परेचर ऑफ शिमला। एंड टेम्परेचर ऑफ ओटी, ओटी का टेम्परेचर जो है, ओटी का टेम्परेचर 14°C प्लस। एंड टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज इक्वल टू 22°C। सो वी कैन फाइंड द टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम दिस नंबर लाइन, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, what is the temperature difference between
temperature difference between the hottest and the coldest places among the above. In question number 2, we are given what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above. तथा ऊपर की संख्या रेखा में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर क्या है. तापक्रम का अंतर क्या है बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द एबव. ऊपर के सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान का अंतर कितना है. तो वी सी दैट हॉटेस्ट प्लेस फ्रॉम दिस नंबर लाइन वी सी दैट बेंगलोर इज द हॉटेस्ट प्लेस. टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज +22°C. बेंगलोर का टेम्परेचर है 22°C. हॉटेस्ट प्लेस. एंड द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -5, -6, -7, -8°C. फ्रॉम दिस नंबर लाइन टेम्परेचर ऑफ बंगलोर व्हिच इज द हाइएस्ट प्लेस. टेम्परेचर ऑफ बंगलोर इज 22°C एंड द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति is -8°C. Then the temperature difference between these places is difference बराबर 22°C -8°C. We have to find the temperature difference between two places, Bangalore and Lahore Spiti. Temperature of Bangalore is 22°C and temperature of Lahore Spiti is -8°C. So temperature difference is equal to 22°C -8°C is equal to 30°C. In this way, we find the hottest place and the coldest place among the above. Question number three is what is the temperature difference between question number three. What is the temperature difference between the Lahaul Spiti and Srinagar? And Srinagar.
What is the temperature difference between the Lahul Spiti and Srinagar? We find from this number 9 Lahul's temperature of Lahul Spiti. Temperature of Lahul Spiti is minus 8 degree C and temperature of Srinagar. Temperature of Srinagar is minus 2 degree C. Here we see that temperature of Srinagar is greater than Lahul Spiti, so difference between the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar is equal to minus 2 degree C minus 8 degree C is equal to minus 2 degree C plus 8 degree C is equal to 6 degree C. Hence the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar is 6 degree C. Because temperature of Lahul Spiti is minus 8 degree C, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Temperature of Lahul Spiti minus 8 degree C and temperature of Srinagar minus 1, minus 2. Temperature of Srinagar is minus 2 degree C. So the difference between the temperature is equal to minus 2 degree C minus 8 degree C is equal to 6 degree C. So in this way, we find the temperature of different places. Whole number question is, can we say temperature of Srinagar and Shimla? Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together? Taken together, is less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature at Srinagar? Is it also less than the temperature at Srinagar? Is it also less than the temperature? Question is, fourth number question, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together? क्या हम एक साथ श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर
ज्ञात कर सकते हैं। टेकन टुगेदर, क्या हम एक साथ श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को क्या एक साथ श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है? यदि है, इज इट ऑल्सो लेस देन दी टेम्परेचर एट श्रीनगर? और यह श्रीनगर के तापमान से कम है? दिस इज योर क्वेश्चन। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन? सो एट फर्स्ट वी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2°C एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू 5°C। टेकिंग टुगेदर -2°C plus 5°C बराबर 3°C। Now I am going to ask the question, is it also less than the temperature at Srinagar? Now, the temperature at Srinagar is equal to -2°C. Here 3°C is greater than -2°C. So you write the answer of this question no, because temperature of Srinagar is less than temperature of Srinagar and Shimla. Temperature of Srinagar and Shimla is greater than the temperature at Srinagar. So the answer of this question will be no. In this way, you can find the temperature at different places. Next question of this exercise. Next question is very easy. Type 2, you have to find the fill in the blanks. You can solve it easily. You can add this integer. And four number question is also based on addition. 5, 6, 7, 8, 9 questions. All are easy. So I hope that you will solve question number 2, 3, 4, 5, 6, 7.